हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल सब हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सुल के बारे में बताने वाली हूँ तो ये आयरन फॉलिक एसिड विथ विटामिन B12 कैप्सूल है, ठीक है। इसी के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखो, ये कैप्सूल है, मैं इसको ओपन कर देती हूँ। अभी मेरे पास चार है, ठीक है। उन चारों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप अच्छे से बात करते हैं, डिटेल से आपको समझाती हूँ। तो ये जो चार कैप्सूल है ना, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? आयरन मिल जाएगी, फॉलिक एसिड मिल जाएगी, विटामिन B12 मिल जाएगा। मतलब एक कैप्सूल के अंदर आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इस कैप्सूल को खाने से क्या होगा, क्यों खाना चाहिए, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले बात तो, एक कैप्सूल खाना किनको है? तो प्रेगनेंसी के टाइम में खाना है ना। जो माँ बच्चे पैदा करने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको ये गोली खानी है। और जो माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं यानी धात्री माँ, उनको ये गोली खानी है, ठीक है। और जिनको खून की कमी है वो भी ये गोली खा सकते हैं, और जिनको विटामिन B12 की कमी है वो भी ये गोली खा सकते हैं, या फिर जिनको फॉलिक एसिड की कमी है वो भी ये गोली खा सकते हैं, ठीक है। ये गोली खाने से क्या होता है, हमें भूख अच्छी लगती है, हमारी थकान मिटती है, और आयरन खून की कमी को पूरा कर देता है, जन्मजात विकृतियाँ नहीं होती, विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है, ठीक है। ये हो गया, इस गोली के खाने से ये होगा। जब महिला प्रेग्नेंट होती है और ये गोली खाती है तो उससे क्या होता है कि जो माँ और बच्चा होता है वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद कैप्सूल होती है, ठीक है। माँ खाएगी तो बच्चे को भी फ़ायदा करेगी। बच्चे को क्या होता है कि जो जन्मजात विकृति हो जाते हैं, जन्म रोग हो जाते हैं, वो पेट के अंदर ही हो जाता है ना। तो जब माँ ये गोली खाएगी तो बच्चे को जन्मजात विकृति नहीं होगी। जन्मजात रोग का मेरा कहने का मतलब है कि आप पर जैसे 50 में से एक बच्चा ऐसा हो निकलता है जिसके नाक कटी होती है, हाथ नहीं होता। ये कैप्सूल खाने के बाद हमें दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है। रात में सोते टाइम या फिर आप दोनों टाइम ले सकते हो। खाना खाने के बाद आप एक सुबह खा लेना और एक रात में सोते टाइम खा लेना। बस इतना याद रखना है कि हमें दूध से बनी कोई चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, माठा है, कुछ नहीं लेना, वरना ये आपको नुकसान कर देगी, ठीक है। अब इससे एलर्जी क्या हो सकती है? तो एलर्जी यही होगा कि आपको पेट ख़राब हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, कब्ज लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री में मिल जाएगी, और बिना डॉक्टर के सलाह से आपको कैप्सूल यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर को पहले अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे तो आप ये कैप्सूल खाइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। धन्यवाद।